हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ की मैथ के साथ। आज आपका टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आज की क्लास में देखेंगे 12D से 15 नंबर से के सवाल से, ठीक है। तो कल की सवाल में जितने ऑब्जेक्टिव थे इस एक्सरसाइज के, वो कंप्लीट हो गए थे। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑब्जेक्टिव में। 20 नंबर के नहीं, 22 क्वेश्चन आपके वहाँ से आने वाले हैं, ठीक है, यहीं से, ठीक है। तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर एक बार जाके पीछे देख लीजिएगा। बाकी आज की क्लास देखिए 15 नंबर के सवाल से, ठीक है। देखो 15 नंबर सवाल में लिखा है, दी गई आकृति में एक चतुर्थांश, ठीक है, ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ बी सी बना हुआ है। ये जो है वर्ग बना हुआ है, ठीक है। आप लोग जो बुक में डायग्राम है उसको देख लेना, हो सकता है आपको ये वर्ग ना लग रहा हो, लेकिन वर्ग है, ठीक है, ये एक वर्ग है। वर्ग जब होता है तो क्या होता है, सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये वाली भुजा, ये भुजा, ये भुजा, बीच में जो वर्ग बना है, क्या है, सब बराबर हैं, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है ओ ए 20 सेंटीमीटर है। तो ओ ए देखो कहाँ पर है, तो ओ ए यहाँ पर है, ये 20 सेंटीमीटर है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली ये भी आपकी जो भुजा होगी 20 सेंटीमीटर होगी, होगी या नहीं होगी। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी मैं कह सकता हूँ 20 सेंटीमीटर है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, लिखा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग कहाँ है, यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, इसमें आपको दो डायग्राम दिखाई देंगे, कौन कौन से, एक चतुर्थांश और एक वर्ग, ठीक है। एक कंप्लीट चतुर्थांश का भाग है, ठीक है, और एक क्या है, वर्ग। अगर मैं पूरे कंप्लीट चतुर्थांश से बीच वाले वर्ग को हटा दूं तो ये दो पार्ट बच जाएंगे, बस यही आपको बताना है, ठीक है। अब चतुर्थांश बताना है, पर चतुर्थांश में आपको त्रिज्या चाहिए, पर त्रिज्या तो मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं त्रिज्या कैसे निकाल सकता हूँ। तो देखो कैसे निकाल सकते हो, तो आपको पता है अगर यहाँ से लाइन अगर मैं यहाँ तक खींच दूँ तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी ना। तो इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण, यही तो विकर्ण रेखा होती है, विकर्ण। अगर विकर्ण निकाल ली तो काम हो जाएगा ना। चलो विकर्ण निकालने का तरीका देखो, यहाँ पर 20, ये 20 है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये आपका समझो कर्ण है। तो आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, ठीक है। तो देखो बुक में दिया क्या क्या है आपके, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, ओ ए बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्या दिया है, अगर ओ ए आपका 20 सेंटीमीटर है तो ए बी की सहायता लेंगे, तो ए बी भी मेरा कितना है, 20 सेंटीमीटर है या नहीं है, इतना बताओ, ठीक है। आप वर्ग का विकर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या है आपके पास, ये भी बता दो, बताइए, ओ बी, ठीक है। तो ओ भी निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, ये कर्ण यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण में क्या है आपका, ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में ए बी का स्क्वायर और प्लस में ओ ए का स्क्वायर, ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस ओ ए भी मेरा 20 है, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो, ओ बी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पर 400 हो जाएगा, यहाँ पर भी 400 हो जाएगा, ठीक है। 20 का वर्ग क्या होता है, 400, जोड़ दो कितना हो जाएगा, जरा बताओ कितना हो जाएगा, 4 4 800, ठीक। अब इसको वर्ग से बाहर निकाल लोगे, ठीक है। तो वर्ग, अच्छा 8 को निकालते हैं तो क्या होता है, 2√2 होता है ना, 8 को जब बाहर निकालते हैं तो 2√2 आता है, यही तो आता है, ठीक। तो 8 को निकालना या लासा लेके निकाल लें, तो ओ बी बराबर क्या जाएगा, देखो यहाँ पे देख लो ध्यान से, देखो अगर हम बात कर लें 8 × 100 लिख दें तो 100 का वर्ग हमारा 10 होता है, ठीक है। 8 का जो निकालते हैं तो 2 × √2 होता है, यही तो होता है। कैसे निकालते हैं आप, 8 का एलसीएम ले लोगे या पूरे 800 का ले लो, 8 का ले लो, तो 2 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, जिसका वर्ग जोड़ा बन जाता है उसको बाहर लिखते हैं, जिसका नहीं बनता है उसका अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20√2 आ जाएगा, ठीक है। या आप 800 का पूरे का एलसीएम करेंगे,
ठीक है, और फिर जोड़ा बना लेंगे तो वो जो मल्टीपल जो बनेगा वो 20 का बनेगा, ठीक है, बाकी अंदर आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है, चाहे पूरे का एलसीएम लेके निकाल लेना चाहे ऐसे कर लेना, ठीक है। यहाँ तो पर क्या आ गया आपका 20 रूट में 2 वैल्यू सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास जो विकर्ण निकल आया है या आप कह सकते हो जो त्रिज्या है वो क्या है आपके पास 20 रूट 2, ठीक है, ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख दो ताकि याद रहे भाई, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, त्रिज्या हो गई ना, ये आपकी त्रिज्या तो निकल गई ही है, तो आप लिख दो यहाँ पर ताकि याद रहे कि चतुर्थांश, ठीक है, कि जो त्रिज्या है, कि जो त्रिज्या है क्या है बेटा आपका ओ बी है, वो कितना निकल गया है 20 रूट 2 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट वैल्यू आपकी निकल गई है इस चित्र के अनुसार निकल है। अब आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले तो निकाल लो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्थांश क्या है आपका ओ क्यू बी पी, ठीक है, तो यही है आपका चतुर्थांश, ठीक है, तो चतुर्थांश क्या है आपका, ठीक है, ओ क्यू बी पी, ठीक है, पूरा कंप्लीट लिख लेना ओ पी क्यू चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 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 तो 1/4 की बात की है ना, 1/4 हिस्सा पूछा गया है, तो 1/4 फार्मूले इसको हम बता चुके हैं पीछे क्लास में, और पाई आर स्क्वायर ये तो होता है इसका फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू को रख दो, 1/4 पाई का मान बेटा 22/7, आर दिया है बुक में, चलो देखो देखो जो दिया है वो रखना वो ज़्यादा सही है, अगर बुक में दिया है 3.14 तो ये भी रखो, ठीक है, 3.14 रखेंगे, ठीक है, गुड। आगे आगे आर, आर क्या है आपके पास बताओ, त्रिज्या ये है ना आपकी 20, कितनी है बेटा आपके पास 20 रूट 2, ठीक है, का होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू, ठीक है, 20 का वो वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 400, और रूट 2 का करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, 4 से ये वाला 400 काट दोगे तो 100 बचेगा, ठीक है, और 2 से पहले इसमें गुणा, 2 से इसमें गुणा करा दो, ठीक है, 2 से इसमें करा दो तो 2 चक्को 8, 2 1 कम 2, 2 3 6, और जहाँ पर 2 0 लगे 2 0 लगा दो, 1 2 संख्या बाद पॉइंट लगा, 2 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, जब इनका गुणा कराओगे आएगा तो पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो उस अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका 628, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है, ये निकल आया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है, यही तो कहा था आपसे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ए ओ ए बी सी का, ओ बी सी यहाँ पे लिख लो पहले वर्ग, ठीक, वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, फार्मूला इसका बताओ क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, गुड, तो यहाँ पे आपको लिख देना है भुजा स्क्वायर, चलो भुजा कितनी दे रहा है आपको 20, भुजा कितनी दे रहा है 20, तो यहाँ पे आपको रखना है 20 और कर देना स्क्वायर, ये आ जाएगा तुरंत 400, ये हो गया वैल्यू इसकी, क्या रख देंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका मात्रक होता है, इतना सारी वैल्यू निकल आई। अब आपको छायांकित अगर भाग निकालना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बताओ फार्मूला क्या बन जाएगा, मैं बराबर नीचे लिखा दे रहा हूँ, तो आप पूरे चतुर्थांश से वर्ग को हटा देंगे, यही तो है, तो क्या ले हो जाएगा आपका चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा ओ पी बी क्यू चतुर्थांश, पहले लिख देना यहाँ पे चाहे बराबर चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, यहाँ पे चाहे चतुर्थांश पहले कर देना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चतुर्थांश क्योंकि यहाँ पे कर लो, पता है इसका रीज़न ये है क्योंकि आप जो है त्रिभुज आगे चतुर्थांश लगा नहीं सकते, त्रिभुज होता त्रिभुज का हम चिन्ह लगा सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, यहाँ से देखो ओ पी बी
क्यों, चाहे यहाँ से ले लो ओ क्यू पी बी, पहले इधर से लिखा था कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर से ऐसे लिख दो चाहे इधर से ऐसे लिख दो, घूम के आओगे तो वहीं पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया गया? ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या करेंगे, चतुर्थांश लिख दिए, आप देखो का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल और माइनस किसका कर देंगे वर्ग, ठीक है, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, ये कर देंगे। ये कितना निकला है आपका बताइए, 628 माइनस 400 कितना आ जाएगा आपका 28, 228, ठीक है, और वर्ग सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया, सब बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, तो आपका 228 वर्ग सेंटीमीटर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ओके बेटा इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा देखते हैं अब सवाल नंबर आपका 16। ठीक है, देखो 16 में क्या लिखा हुआ है, तो 16 नंबर सवाल देखने के पहले आप पहले डायग्राम को देखिए। ठीक है, तो डायग्राम को देख लिया अच्छे से, ठीक, ओके, तो यहाँ पे आपने जब देखा होगा तो आपने क्या पाया होगा, क्या पाया होगा, मार्कर कहाँ गया, देखो आपने क्या पाया होगा, यहाँ पर एक ये त्रिभुज पाया पाया, ठीक है, एक त्रिभुज हो गया, समकोण है, 90 डिग्री से मुड़ा हुआ है, तो समकोण त्रिभुज आपने पाया। आगे अगर थोड़ा त्रिभुज से मैं ऐसे ही ऐसे जोड़ दूं इसको सिर्फ, तो एक चतुर्थांश पाया आपने, ठीक है, और अगर आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक आधा गोला है, कितना है आधा, इधर पूरा कंप्लीट कर दोगे तो पूरा गोला बन जाएगा, तो आगे यहाँ से देखोगे तो अर्ध गोला, ठीक है। अब इसमें सवाल में सिंपल सी बात बोल रहा होगा कि छायांकित भाग ज्ञात कीजिए, यही तो बोल रहा होगा, ठीक है। चलो सर क्वेश्चन पढ़ के पहले इसके यूनिट सारे लिख लेते हैं। देखो पहले लिखा है दी गई आकृति में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है किसकी, बताओ बताइए किसकी त्रिज्या है ए बी सी, बताइए कहाँ पर 14 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा है भाई, ये त्रिज्या ये यहाँ तक है, चाहे इसको मान लो, ये भी आपका 14 तो निकलेगा, ये भी 14 होगा और ये भी आपका 14 सेंटीमीटर तो होगा, यही तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये यहाँ तक की बात कर रहा है ना, इस वाले जो छायांकित भाग है उसकी बात नहीं कर रहा अभी, अभी जो ये आपका बना हुआ है चतुर्थांश, चतुर्थांश की बात कर रहा है, उसकी त्रिज्या, त्रिज्या निकल आई 14, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में कहा है चतुर्थांश तथा BC को व्यास मानकर, ठीक है, अर्धवृत्त खींचा गया है, BC कहाँ है, BC देखो क्वेश्चन पर भी जाओगे डायग्राम के साथ साथ, इसको ये BC है हमारी रेखा, इसी को व्यास माना गया, व्यास आपका एक कंप्लीट गोला होता है, ठीक है, और आधा वृत्त खींचा गया है, इसी को व्यास मान के ये चाप लगाई गई बड़ी वाले में, ठीक है, ओके। अब आगे देखो क्या कहा है, छायांकित भाग ज्ञात कीजिए, तो छायांकित भाग का आपका ये निकालना है, तो मैं अगर डायग्राम से कहीं अलग से समझाऊं तो देखो समझना, पहले बना इधर बेटा, पहले समझिएगा बना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये एक त्रिभुज बना है, ठीक, ये पूरा कंप्लीट त्रिभुज बना पहले, ठीक है। अब इसी इस वाले को व्यास मानकर एक आधा गोला खींचा गया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक ये खींच के बना दिया गया है चतुर्थांश, ठीक है। तो अच्छा बताओ क्या कर सकते हैं हम, जो सिर्फ इतना पार्ट निकले, बताइए, सोचिए 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 सोचिए। देखो कुछ नहीं यहाँ पे, अगर ध्यान से अगर मैं इसको दिखा दूँ आपको, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, अच्छा इसको थोड़ी देर रफ़ कर दी हम, ठीक, और इसको थोड़ा ऐसे पलट दें तो आपको कुछ याद आएगा ये चित्र, ठीक है। चलो इस अभी याद, अभी नहीं याद आ रहा, लेकिन अब याद आया, अब कुछ याद आया, ये जो बीच वाला पार्ट, अच्छा चलो बताओ कुछ याद आया हाँ? नहीं अभी भी नहीं याद आया, हाँ वो तो बोलो 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 जल्दी से, कुछ याद आया हाँ, हाँ जो, ठीक है अब देखो, नहीं समझ में आया लघु, अरे कहाँ बेटा, चलो तुम नहीं समझ पाओगे, चलो दूसरा मेथड बता रहे हैं फिर हम। देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, ये आपका चतुर्थांश है, ठीक है, इतना दिस इज़ द कंप्लीट आपका चतुर्थांश है, ठीक है, देख पा रहे हैं, और इस चतुर्थांश में, इस चतुर्थांश में आधा वृत्त है, ठीक है, लेकिन आधा वृत्त यहाँ से है, पहले समझिएगा, यहाँ से,
पूरे इस वाले पार्ट को जोड़ देंगे तो कंप्लीट निकलेगा, अगर बीच वाले को पार्ट को फिर से घटा दें तो काम हो सकता है। ठीक है, नहीं समझे? इस वाले पार्ट को ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और फिर इसके बाद ये कंप्लीट यहाँ तक ले लें। ठीक है, इसको चतुर्थांश को ऐड कर दें, फिर उसके बाद चतुर्थांश यानी ये वाला आपका पार्ट घटा देंगे तो काम हो जाएगा। कन्फ्यूज़न नहीं, मुझे लग रहा है कन्फ्यूज़न है। तो फिर से देखो, यहाँ पर फिर से देख लो, ये वाला पार्ट ले लो, दिस इज द कंप्लीट इसको। ठीक है, ये हमारा चतुर्थांश हो गया। ठीक है, ठीक, अब ये वाला पार्ट ले लो पहले। ठीक है, अच्छा फार्मूला लिखते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो छायांकित भाग क्या, वैल्यू बाद में लिख लेंगे, पहले फार्मूला देखो क्या बनेगा इसका। तो पहले अलग अलग निकालना था, एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या बोलोगे, सबसे पहले त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज लिख लो, त्रिभुज क्या है आपके पास, त्रिभुज है बी ए सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज यहाँ बना लें, त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल प्लस, अब बताओ प्लस में और क्या जोड़ सकते हैं बताइए, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है आपके पास, क्या है, अर्धवृत्त है। ठीक है, अर्धवृत्त को जोड़ दो, पहले इसको इन दोनों को, ये वाले पार्ट को देखो, यहाँ पे देख लो, पहले त्रिभुज को जोड़ा एक एक बनाते हुए, ये त्रिभुज को जोड़ा और इसी में हमने अर्धवृत्त को जोड़ दिया पहले। ठीक है, जोड़ दो, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या किया गया है यहाँ पर, इसको वाले को बताना है, तो ये यहाँ पर ऐसे बना दिया गया है, जब ये बनाया गया तो ये कंप्लीट इतना क्या बन गया, चतुर्थांश बन गया, इतना बन गया। अब अगर चतुर्थांश को बाहर निकाल लें तो इतना ही तो बचेगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, माइनस, ठीक है, इसके नीचे लिख दें, नहीं यहाँ लंबे से लिख लो, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो जो कन्फ्यूज़न में हो फिर से एक बार डायग्राम देखे और समझे। ठीक है, फिर से देखे एक बार, देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में अर्धगोला बनाया गया, उसके बाद जब ये वाली चाप बनाई गई है तो इतना इतना पार्ट मिलाकर एक चतुर्थांश बन गया है, इसी पार्ट को निकाल लोगे तो बचेगा तो वही, तो फार्मूला बन गया। ठीक है, ओके, आ गया समझ में? चलो अब वैल्यू तो निकाली नहीं थी, तो वैल्यू तो निकालना पड़ेगा सारी। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो ए बी बराबर, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, तो ए बी बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार ए सी की बात कर लें तो ए सी बराबर भी 14 सेंटीमीटर दिया है। चलो अब ये वाली भुजा निकालना है बी सी, तो फार्मूला कर्ण वाला लगा देंगे ना भाई, आपको क्या ज्ञात करना है, बी सी ज्ञात करना है। ठीक है, फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी, ये पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी में कितना दिया है, 14 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का वर्ग कितना होता है बताइए, 196 प्लस 196 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका, 196 6 6 12 9 9 18 1 19 और 2 1 3 392 हो जाएगा। इसको वर्ग से बाहर निकालोगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो लासा ले लो, कितना आएगा इसका, तो 392 का एलसीएम लेंगे 2 से, दो एक कम दो एक बचा दो नौ अठारह और दो छंग बारह, फिर 2 से 2 9 18 और 2 8 16, फिर 2 से 2 चक्कुआ 2 9 18 और फिर 7 से 7 49 7 1 7, जिसका जोड़ा बढ़ना है, इस 7 का बढ़ना है और इसका बढ़ना है। ठीक है, तो 7 2 14 बाहर रहेगा रूट के और रूट 2 रह जाएगा। ठीक है, ये निकल आएगा बी सी, तो बी सी जो कंप्लीट जो वैल्यू यहाँ तक आ गई वो आ गई है 14√2। ठीक है, ये आ गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर देख लो अर्धवृत्त, देखो यहाँ पर वृत्त की बात, देखो ये अच्छा ये क्या आया है, ये व्यास आया है ना, ये व्यास है, अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है। ये अगर देखा जाए, जो बी सी निकली है वो यहाँ पे लिख दिया गया, जो बी सी निकली है वो निकली है आपका अर्धवृत्त का व्यास, निकली है या नहीं निकली है,
निकली है, यानी अर्धवृत्त का व्यास निकली है। तो व्यास क्या कितनी निकली, 14 रूट में टू। इसकी अगर मैं त्रिज्या निकालूं, ये डी है ठीक है, इसकी अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालूं तो क्या हो जाएगा, 14/2 और रूट टू कट जाएगा, तो यह आ जाएगा आर बराबर 7√2। ठीक है, ये त्रिज्या निकल आएगी अर्धवृत्त की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको पक्का? ठीक, सारी वैल्यू को यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर ये बताएंगे त्रिभुज ABC का जो समकोण होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार, क्या होता है, आधार इंटू लंब या ऊंचाई। ठीक है, या लंब या यहाँ पर ऊंचाई लिख सकते हो, ये फार्मूला होता है। प्लस वृत्त का जो फार्मूला होता है वो होता है πr², अर्धवृत्त की बात की तो 1/2 हो जाएगा आगे, 1/2 πr² अर्धवृत्त का हो गया। आगे बात कर ले चतुर्थांश का, तो चतुर्थांश का अभी हमने लिखाया था 1/4 πr². ठीक है, अच्छा 1/4 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो गोला है इसमें चार ऐसे मैं भाग कर लूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो चार भाग में से एक भाग पूछ रहा है, कंप्लीट चार वैल्यू है पूछ एक रहा है तो 1/4। ठीक है, यहाँ तो समय, और क्षेत्रफल पूरे का होता है πr². ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 1/2 आधार कितना दिया है आपको, ये त्रिभुज का 14 और यहाँ पर भी 14 दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे प्लस 1/2 यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 22/7। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं आप, पाई की वैल्यू ना रखो, मैं बताता हूँ क्यों ना रखो। ठीक है, यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, उसकी वजह बताऊँगा अभी। ठीक है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 7। ठीक है, √2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई। ठीक है, ये पाई है आपका, ठीक है 1/4 पाई यहाँ पे आर। अच्छा एक मिनट सुनो, यहाँ की आर की वैल्यू क्या यही होगी, यहाँ पे बोला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है उसकी त्रिज्या। चतुर्थांश कहाँ है हमारे पास, दिस इज कंप्लीट चतुर्थांश, ये है इसकी त्रिज्या क्या है, 14 है। आया समझ में, नहीं आया, इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 है। तो यहाँ पे चाहे लिख लेना याद ना रहे, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। चलो वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 14 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक आप देखो यहाँ पर, ठीक है यहाँ तो समझ में आया। अब देखो आगे क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 2 से काट देंगे 7 आएगा। ठीक है, 14 × 7 = 98 आ जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पर 1/2 πr। ठीक है, और यहाँ पर 7 का वर्ग करो कितना आएगा, 49 आएगा, और 49 × √2 का करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1/4 और पाई 14 का कितना होता है, 196 होता है। ठीक है, अब देखो कट कर दो कितना हो जाएगा आपका, इसको कट करोगे यहाँ पर देखो, तो इस 2 से यहाँ पर 2 को काट दो। ठीक है, इसको काट दोगे तो कितना जाएगा, 4। देखो यहाँ पर कट जाएगा आपका 4 × 16, 4 × 9 = 36। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा आपका 98 + 49π - 49π, इसलिए कहा था पाई का मान मात्र को करा के जाएगा, क्यों कैलकुलेशन की जाए। ठीक है, बाकी आप रख देते तो भी कट जाता ना। ठीक है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया, अब कितना आ गया आपका, 98 आ गया, क्योंकि ये तो कट गया आपका। ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यूनिट चल रहा है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cm², ये हो जाएगा आपका। ओके, समझ में आया। देखो यहाँ पे दो कन्फ्यूजन मत करना कि यहाँ पर जो त्रिज्या है, ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो एक और काम कर लो, इस वाले त्रिज्या की जगह कैपिटल R कर दो, यानी अर्धवृत्त वाले की त्रिज्या जो है उसे कैपिटल R कर दो। ठीक है, इस वाले की स्मॉल रहने दो। ठीक है, क्योंकि देखो त्रिज्या अलग है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये चतुर्थांश से यहाँ तक है, इसकी त्रिज्या तो दूर से दिख रही 14 है, अर्धवृत्त का ये अलग क्यों होगी, क्योंकि इसका व्यास हमारे पास ये है ना, तो व्यास का ही, उसने सवाल नहीं बोला, जो बोलेगा वो करना पड़ेगा ना। ठीक है, ओके समझ में आया। ठीक है, तो पढ़ा, ठीक है, ओके आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और जो आज की क्लास रहेगी इसके बाद शायद एक सवाल और बचा है, हाँ इसके बाद लास्ट सवाल है, उसके बाद आपका जो ये वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है वो आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपका अध्याय जो चलेगा वो 13 चलेगा, जिसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ओके, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कुछ टाइम बचा है एग्ज़ाम का। ठीक है, आपके एग्ज़ाम होंगे, जैसी पढ़ाई करोगे वैसा रिजल्ट आएगा,
और वैसा ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। जैसा आप करेंगे ठीक है, अच्छा करेंगे तो आपका अच्छा फ्यूचर रहेगा, ठीक है, तो आप अच्छा करेंगे ठीक है, ताकि अच्छा आपके साथ हो, ठीक है, ओके, इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 17 और आज की क्लास का एक्सरसाइज का और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का लास्ट सवाल, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये डायग्राम दिया है और देखो इसमें लिखा क्या हुआ है, लिखा है दी गई हुई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर जो ये दो पट्टियाँ बनी हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब इसको आपने देखा होगा तो लगा होगा हाँ ये है सवाल दमदार, लास्ट में दे दिया, पर दमदार नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाओ। तो थोड़ा सा अगर माइंड लगाओगे तो क्या पाओगे, मैं चलो पहले देखो, यहाँ से अगर ऐसे देखो और फिर ऐसे देखो तो एक त्रिज्यखंड बनना होगा। अच्छा हमने त्रिज्यखंड यहाँ पर क्यों किया, चतुर्थांश क्यों नहीं कहा, क्योंकि त्रिज्यखंड क्यों 90 डिग्री दे रहा है ना, तो मुझे थीटा की जरूरत पड़ती है, थीटा हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायग्राम मैं बना के दिखाऊँ आपको, देखो कैसे बनेगा, ये है ठीक है, ठीक, और ये बनाया गया है ठीक है, ये तो बनाया गया है, इस वाले भाग की बात कर लें, और सेम एक यहाँ पर है जिसको ऐसे बनाया गया है ठीक है, यहाँ से कंप्लीट, और इन दोनों को ऐसे जोड़ा गया है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐसे खींच दूँ, यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच दूँ ठीक है, तो ये वाले पार्ट आपसे पूछे जा रहे हैं, ये वाले ठीक, ये थोड़ा बड़ा सा बना हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा ठीक, कुछ इस प्रकार से ये वाले पार्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। इन दोनों पार्टों को अगर मैं ऐसे ज्वाइंट कर देता हूँ, समझिएगा, तो ये वाला पार्ट इधर आ गया, उस वाले का इस वाले का उधर चला गया ठीक है। अच्छा अब उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इन दोनों चित्रों से समझोगे पहले ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना है, एक ये त्रिज्यखंड है, ये से त्रिज्यखंड एक की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए पहले एक को समझिएगा, ये मेरे पास जो त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड से अगर मैं ये त्रिभुज निकाल दूँ तो ये छायांकित क्षेत्रफल बच जाएगा, बचेगा, सेम पोजिशन इसमें भी, मैं अगर त्रिज्यखंड से ये वाला त्रिभुज निकाल दूँ तो ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा, बचेगा या नहीं बचेगा बताओ। किसी बच्चे को बेटा इधर देखिए पहले, किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न आ गया समझ में, ठीक। तो सबसे पहले क्या बोला है, छायांकित भाग ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ठीक है। चलो बताओ कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले देखो फार्मूला में क्या होगा, तो आपके पास कितने त्रिभुज त्रिज्यखंड कितने रहेंगे, दो त्रिज्यखंड रहेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, दो यहाँ पे दो गुणे दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और माइनस क्या रहेगा आपका, दो बताओ दो त्रिज्यखंड के मतलब कंप्लीट से, अब ये दो हमारे त्रिभुज को माइनस करना है ना, तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है, दो हाँ दो त्रिभुज के क्षेत्रफल दो। त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर होता है माइनस दो ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा त्रिभुज का, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री पे बनना है, फार्मूला क्या बन जाएगा आपका बताइए, अभी लिखा है तो एक बटे दो, क्या लिखा है था, हाँ आधार इंटू लंब ठीक है, यही तो होगा, या लंबाई, चलो लंबाई कहा तो लंबाई लिख लो, चाहे लंब लिख लो, चलो वैल्यू क्या क्या दी है, सारी वैल्यू इससे पुट कर देंगे आप लोग। चलो तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, देखो थीटा दिया है 90 डिग्री दिए हैं, तो ऊपर तो थीटा 90 डिग्री दिया है, तो थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 90 डिग्री, यहाँ पर 2 गुणे 90 नीचे 360 इंटू पाई का मान हमेशा वही होता है, कितना होता है 22/7। अच्छा आर कितना दिया है त्रिज्यखंड का, चलो आर क्या होगा त्रिज्यखंड का बताइए, आर क्या होगा आपका त्रिज्यखंड का, आर होगा कन्फर्म, अरे वाह तो समझदार हो गए भाई, यहाँ तक ऐसे घुमाएगा 8, यहाँ से ऐसे घुमाएगा 8, तो जो त्रिज्यखंड यहाँ पे लिख दी क्या हम,
ठीक है। यहाँ पे जो त्रिज्या है, अगर त्रिज्या की बात कर लें वो कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर है या नहीं है, ठीक है। ओके, 8 समझ में आया या नहीं आया किसको, किसी बच्चे को ऐसे ना समझ में आया हो, सबको आ गया। फिर तो यहाँ पे 8 × 8 लिख दें दो बार, माइनस 2 से 2 चाहे काटते समय लिख दो, काट दें और लिख दो। आधार कितना है आपके पास 8 और लंब भी 8 है, ठीक है। किसी को कोई डाउट, वेरी गुड। फिर तो यहाँ पे 8 8 का देखो, यहाँ पे कट कर दो, 0 से 0 कट जाएगा ये वाला, 9 चौक 36 कट जाएगा, 2 दुनी 4 कट जाएगा, 1 कम 1 कट जाएगा और ये वाला 2 कट जाएगा। यहाँ पर 8 8 गुड़े में यहाँ पर 8 8 है, अगर हम 8 × 8 बाहर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 11/7 माइनस का 1 बचेगा, और कुछ बचेगा, यही तो बचेगा। 8 8 का जो गुड़ा होता है वो 64 होता है, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 7 मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, यहाँ पर 11 − 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 × 11 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4/7, ठीक है। चलो इसका गुणा करा दो, तो यहाँ पे आगे जो आपका आएगा 4 × 16, 4 × 6 = 24, 1/25/7, यही आंसर लिख दो, या इसको डिवाइड करा दो। डिवाइड कराओगे तो 256 में कितने का हो जाएगा, 7 × 7 = 21, कितना बचा 4, 6 × 7 = 42, 7 × 6 = 42, कितना बचा 4, पॉइंट लगाया 0, ठीक है। 5 × 5 = 35, कितना बचा 5, पॉइंट लगा 0, 7 × 7 = 49, ठीक है, नहीं ठीक है समथिंग 36 पॉइंट, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 36.57, ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर, सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, वर्ग सेंटीमीटर इसकी वैल्यू लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ओके बेटा, सब बच्चों को समझ में आया तो ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आज की क्लास जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो आप जो अगली क्लास है वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 13 वाला अध्याय पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, 13 वाला, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। तो ओके, कल की क्लास जो रहेगी पहली क्लास, कोई एब्सेंट नहीं होगा और सब बच्चे क्लास जरूर देखेंगे, पहला वीडियो सब बच्चे देखेंगे, क्योंकि उसमें हम आपको पहले सारे फार्मूले बताएंगे और फिर कराएंगे, अगर उसका बेस मजबूत होगा सिंपल सी बात एक्सरसाइज आ जाएगी, जैसे ये वाली आपको अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो ओके बेटा, जो भी बच्चे का कोई भी सवाल नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता, मैं उसको दोबारा रिपीट करा दूँगा, ठीक है। ओके, इसे नोट कर लीजिए और सब बच्चों से आज के लिए इतना ही, जय हिंद। गुड मॉर्निंग। और